तमिलनाडु की सत्ता में काबिज जीएम के पार्टी के नेता और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। उदयनिधि ने एक सभा में सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की, इसके साथ ही इसे पूरी तरह से मिटाने की बात ही कही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि एमके स्टालिन, सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया तमिलनाडु में, और जिसके बाद से उस बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक सभा में सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की, इसके साथ ही इसे पूरी तरह से मिटाने की बात भी कही। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்தில் வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம் வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது, அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். स्टालिन के बेटे उदयनिधि के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। सनातन पर विवादित बयान को लेकर यह शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो सनातन पर विवादित बयान को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस से मामले पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। एमके स्टालिन के बेटे के बयान पर भी डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि धर्म के मामले में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, देखिए, धर्म के मामले में किसी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को मतलब बोलने का अधिकार नहीं है। ये संतों का विषय है, ये धर्माचार्यों का विषय है, इसलिए धर्म के बारे में वही बोले जिनको इस पर बोलने का अधिकार है। और धर्म के बारे में किसी को बोलना है तो वो अपना अपना शास्त्रार्थ की एक परंपरा रही हमारे देश में, दुनिया में, और अपनी बात रखें। इसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, और कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसमें राजनीतिक बयानबाजी केवल सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश है। और इस प्रकार के विद्वेष को कहीं पर भी मान्यता नहीं दी जा सकती, कोई समर्थन नहीं कर सकता। यह बयान शुद्ध रूप से समाज में एक विवाद खड़ा करने की असफल कोशिश है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, और बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह ने इसे बेतुका बयान बताया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश हजारों साल से की जा रही है, लेकिन सनातन को कोई नहीं मिटा पाया है। सिर्फ आज प्रतिक्रिया पिंक पिंक बूथ पिंक तो रहेगा, ऐसी तो ऐसी चीजों को बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये बेतुकी बातें होती हैं, इनके ऊपर उनसे ही पूछो जिन्होंने बोला है, इसमें तुक क्या हुई। सनातन धर्म को मिटाने की जो कोशिशें और साजिशें हैं हजारों साल से हुई हैं। तैमूर लंग से लेके लॉर्ड मैकाले तक सब सनातन को मिटाने में जुटे रहे, लेकिन सनातन नहीं मिटा। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। ये लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रही है। सनातन न मिटा है, न सनातन मिटेगा। सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान का साधु संतों ने विरोध जताया है। संतों का कहना है कि सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए।
निवेदन है कि आप तो धर्मगुरु हो नहीं, तो आप ऐसे बयानबाजी क्यों करते हो? आप एक राजनेता हो, लूट हत्या बलात्कार व्यभिचार बेरोजगारी वेशिक्षा इस पर चर्चा करो, पर चर्चा करो चलाओ, लेकिन धर्म पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। धर्म पे बोलोगे तो सठे साठे समाचरेत, जिस दिन साधु पागल हो जाएगा, एक तो तुम पागल हो ऐसा बोलते हो, तो साधु पागल होता है तो ठीक करता है, तो ऐसा स्थिति न बन जाए कि साधु भी पागल हो जाए कि तुम लोगों को ठीक करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, तो संविधान में सबको अधिकार दिया है अपने अपने तरीके से बात रखने का, लेकिन ये भी अधिकार नहीं दिया है कि किसी भी संस्कृति को किसी भी धर्म को अपमानित करने का। मैं उदयनिधि जी से कहना चाहता हूँ कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, और आपके बाप दादा जो अंग्रेज थे वो भी इसी विरोध में विरोध करते करते भगाए गए भारत से, बहुत दिन हो गया भारत से भगे उनको, आजादी का 75वां वर्षगांठ अभी हाल ही में भारत ने मनाया है बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से। निवेदन करना चाहता हूँ मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जैसे डेंगू मच्छरों का इलाज वैक्सीनेशन के माध्यम से हुआ, जैसे कोविड का इलाज कोरोना का इलाज वैक्सीनेशन के माध्यम से हुआ, ऐसे ये देश विरोधी वक्तव्य देने वाले, देश विरोधी गतिविधि करने वाले स्टालिन तथा उनके सरकार में मंत्री उनके बेटे उदयनिधि के ऊपर त्वरित कार्यवाही, निष्पक्षता पूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिए। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के दिए गए बयान के बाद बवाल शुरू हो गया है। कई बीजेपी नेताओं ने इस पर अपना विरोध जताया है और उदयनिधि पर निशाना साधा है। प्राचीन काल से चलता हुआ सनातन धर्म है, इसके लिए ये कहना है कि वे डेंगू की तरह हम इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म करने वाले तो हजारों वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, आज तक कोई खत्म नहीं करने पाया, इसको खत्म करने वाले ही खत्म हो गए हैं। उनको इसकी जानकारी रहना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है और देश के अंदर उसकी मान्यता है, इसलिए ऐसे अल्फाजों का हम खंडन करते हैं। ऐसे लोगों को पर राष्ट्रीय विरोधी ताकतें जो इनको सहारा दे रही हैं उसको उनको भी एक विचार करना चाहिए कि ये चीजें अब चलने वाली नहीं है। देखो, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग अब किसी विशेष धर्म के वोट को हासिल करने के लिए इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं, क्या इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म को लेकर इस प्रकार की बात कर सकें? कभी बुराइयां इस्लाम में है, कभी ये इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कभी के क्रिश्चियन के ऊपर इस प्रकार के सवाल उठा सकते हैं क्या? उठा ही नहीं सकते। अब चूंकि हिंदू कहीं ना कहीं सहिष्णु है और इस नाते इन सब चीजों को बर्दाश्त करता है, लेकिन जिस दिन उसने बर्दाश्त करना बंद कर दिया, इन जैसे लोगों को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो वहीं उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी ने भी उदयनिधि पर निशाना साधा है। सुनिए। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म है, जितने पंथ है, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता, चाहे खेल मंत्री उदय निधि के साथ अनेकों आ जाए तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, अंत तक रहेगा। तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि स्टालिन ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को, संक्रामक हिंदू सनातन धर्म को मलेरिया बताया है, वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सनातन को हम खत्म करेंगे। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जिस हिंदू सनातन को मिटाने के लिए कितने आए और चले गए, उसको इंडिया गठबंधन के लोग अब मिटाना चाहते। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।